मोहतरम नाजरीन, जाकिर साहिल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका खैर मकदम है। इसके बाद मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ जनाब मुनव्वर जमा साहब का दरख्वास्त करता हूँ, दो मिनट के लिए आप भी अपने नासिहान करीमा से हम सामेयन को महसूस करना है। मोहतरम नाजरीन, मदरसा उबे बिन काल खासियत हरियाणा मेवात की कदीम और जदीद वीडियो देखने के लिए हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अंग्रेजी में क्रेज है, जब इंसान ज्यादा थक जाता है तो उसमें आई एम डॉग टायर्ड करके बोलते हैं, यानी उसके बाद कुछ काम करने का लायक नहीं होता है। तो बहुत थका हुआ और सुबह फिर 5 बजे उठकर हज के लिए रवाना होना है। जो भी हजरत ने आपके सामने बातें रखी हैं मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ उससे। ये लाइन बोलकर बस आपको वादा करता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह मार्च में या फरवरी में हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पर। तो बाकायदा 2-3 दिन का प्रोग्राम रखेंगे और उसको एक अच्छा तरतीब देकर हम लोग सब इदारे सब नौजवानों को लेक्चर देने के सेशन इंशाल्लाह रहेंगे। और हर मदरसे के बच्चों को मैं एक बात बताता हूँ कि अल्लाह ने जो जहन इंसानों को दिया है उसकी वजह से अल्लाह ने हमें एक टाइटल दिया है अशरफुल मखलूकात। ये जहन की वजह से एक पेनड्राइव आता है ना 8 GB 16 GB 32 GB उसमें पूरी कुरान आ जाती है 32 GB। तो हजरत के जुबान से ही मुबारक जुबान से मैंने सुना था कि इंसान के ब्रेन में 1000 GB का 1 TB होता है, जो आपके घरों में पेनड्राइव होता है वो 8 GB का होता है, ऐसा 1000 GB का 1 TB होता है। वो एक कैसेट के टाइप में होता है ना, बॉक्स के टाइप में 1 TB। और 95 लाख TB में जितना डाटा स्टोर कर सकते वो इंसान के जहन में इंसान उतना डाटा स्टोर कर सकता है। तो हम लोग अपने आप को पहचाने नहीं कि अल्लाह ने कैसा जहन दिया। अगर अल्लाह सुबहान व तआला 30 पारे ना रखता कुरान में, 300 रखता कसम खुदा की करोड़ों लोग वो 300 भी याद करते हैं। और 3000 पारे रखता अल्लाह सुबहान व तआला कसम खुदा की वो 3000 पारे भी हम लोग याद कर लेते। तो हम लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं किया है। 1% आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो याद कर रहे हैं ना कितना 1%। और 99% अगर आप लोग कर ले तो फिर आप लोग कल के अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बनेंगे इंशाल्लाह, ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह बनेंगे इंशाल्लाह, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब बनेंगे, बेहतरीन उर्दू बेहतरीन इंग्लिश मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। तो इस तरह से आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। इस्तेमाल करें, ज़्यादा वक्त पढ़ने पढ़ाने में लगाएं और बेकार जो वक्त बच्चे मदरसे में गुजारते हैं उससे दूर रहें इंशाल्लाह। तो कल के आप लोग दीन के दाई बनेंगे और मेवात के लिए एक नमूना बनकर यहाँ इंकलाब पैदा कर सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।